हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आई व्लॉग और मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक अनदर व्लॉग के साथ। और आज है वैलेंटाइन डे, दिस इज़ अ स्पेशल डे फॉर मी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और भाई ये मेरी आंख पे लग गई है चोट, समझ तो गए होगे तुम्हारी वजह से ही लगी है। तो अब सीन कुछ ऐसे हैं कि आज हमने जाना है वैलेंटाइन डे की तैयारी के लिए। इस पूरी वीडियो में एक सस्पेंस है जो कि आखिर पे जाके आपको पता चलेगा। तो फिलहाल अब हम जाने लगे हैं बाजार और फिर मैं आगे वाला सीन जो है आपको रास्ते में दिखाता हूँ कि देखते हैं आगे होता है क्या। जुड़े रहिए हमारे साथ और जाना नहीं कहीं, मैं कहता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा आज की वीडियो में, चलते हैं। और दोस्तों मैं आ गया हूँ अब बाहर। अब सबसे पहले हम जाएंगे रोज़ शॉप पे और देखेंगे वहाँ पे क्या सीन्स हैं। लेकिन वहाँ जाते जाते मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता जाऊँ। ये जो वैलेंटाइन डे है ना, इसमें ये होता है कि लड़का जो लड़की होते हैं इन्होंने मिलना होता है, सीधी सी बात है। बात तो सही है। और मिलके इन्होंने चीमू चीमू कीमू कीमू जीमू जीमू ई ऊ ई आ जो मर्जी चाहिए कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें तीन तरह के ना आशिक पाए जाते हैं जो वैलेंटाइन डे में होते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। एक वो आशिक पाए जाते हैं जो कि नहायत ही शरीफ किस्म के होते हैं और उनके पास जगह नहीं होती, तो जगह यहाँ तो उन्होंने किसी दोस्त से उधार मांगनी होती है, ठीक है। तो यहाँ उनके पास एक ही जो है ना काम होता है, वो जो पीछे झाड़ियाँ या कोई पार्क और या फिर इस तरह का कोई भी जगह जो होती है। लेकिन यहाँ पे फिर इनको पड़ती हैं जूतियाँ क्योंकि यहाँ पे ये पकड़े जाते हैं। फिर दूसरे तरह के होते हैं थोड़े से प्रो आशिक। प्रो आशिक जो होते हैं वो जगहों का पहले ही ना अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो और वो इस तरह के आशिक होते हैं, जो प्रो आशिक होते हैं वो 14 फरवरी पे मिलते ही नहीं है क्योंकि उन्हें पता है 14 फरवरी पे तो हर बंदे की नज़र होती है। तो वो मिलते हैं 15 फरवरी को या 16 फरवरी को। तो ये होते हैं अकलमंद आशिक। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे शॉप पे, तो देखते हैं रोज़ेस का क्या सीन है वहाँ पे। हाँ, आज हमारा भी वैलेंटाइन डे हो सकता था, आज हम भी किसी को चॉकलेट लेके दे सकते थे, पर क्या करें, पैसे इतने डुल गई तू सानू रब ते आसुकुड़े। कैसा लगा मेरा मजाक? और भाई सबसे मेन बात तो मैं तो कहना ही भूल गया, मैंने जाना है भाई जान इंग्लैंड। और ठीक है, एक इंसान है जो इंग्लैंड गया हुआ है, मैं उससे पूछना चाहूँगा कि भाई हाँ जी इंग्लैंड में कैसे जाते हैं, इंग्लैंड कैसे जाते हैं भाई जान, कुछ इलम कुछ नॉलेज आया आपको? देखिए भाई, ये इंग्लैंड जाने के बाद ना इसकी हवा ही बदल गई है और ये तो मुंह भी नहीं लगा रहा सही से। देखें भाई, इंग्लैंड इंग्लैंड का कोई रास्ता स्टडी वीज़े पे या किसी तरीके से कोई तरीका? भाई देख लें, ये हालात होते हैं। देखें इंग्लैंड जाने के बाद लोग इस तरह देखें ना बदल जाते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो फिर किसी ना किसी की मशूक ले उठते हैं। चले कोई बात नहीं, ओके बाय, हम भी आएंगे इंग्लैंड। अब हम जाने लगे हैं जनाबे वाला बाजार। और ये हम पहुंच गए बाजार और ये पहला आशिक है जो हमने मोबाइल में कैप्चर किया है। भाई मास्क लगा रहा है, मास्क लगाने का क्या फ़ायदा, अब तो हमने तुझे कैप्चर कर लिया। और देखें खूबसूरत फूल, ये गुनाहगार लोगों के लिए बनाए गए हैं। एक बंदे की कमाई और एक बंदा गुनाह कमाएगा। चलें इसी बहाने सड़कों पे कोई खूबसूरती तो हमें देखने को मिलती है। चेक करें गुलदस्ते, चेक करें भाई कितनी मोहब्बत से बनाए गए हैं। एक एक फूल तोड़ के लगाया गया अपने हाथों से। और ये दिल, ये बेवफा लोगों के लिए दिल है। क्या फ़ायदा इतने फूल लगाने का, कोई फ़ायदा नहीं होता लड़कियों को फूल देने का। भाई जिसने छोड़ना है उसने छोड़ देना है, उसने तो माँ बाप की कसम पर छोड़ देना है आपको। प्यारी समझ गई। पीछे तो कोई बात नहीं रह जाती। ये बच्चों सिर्फ टाइम पास करो, ये मशूकी में कुछ नहीं रखा है, ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है और अपने रूह की बर्बादी और कुछ नहीं है। अब दोस्तों सीन्स कुछ ऐसे हैं कि शशके तो आपने देख लिए हैं जो कि बड़े VIP करके लगाए हुए हैं, लेकिन मसला और ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि आपका भाई जो है ना वो दो तरफा प्यार की जो कुंडी है ना उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। हमारा प्यार है एक तरफा जो कि हमेशा मरते दम तक रहेगा। और मसला भी ये है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार
यहाँ कभी कभी मैं बैठा होता हूँ अकेला रात के 2-3-4 बजे तो मेरे ना दिमाग में एक ख्याल आता है, आसान है क्या ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले मोहब्बत ना मिले, और उसके बाद जो है ना मेरा जो दिल है ठीक है वो उसका एक जवाब देता है। It's the most beautiful feeling in the world. और इस जवाब के बाद जो मेरा मतलब रूह है ना मेरी उसको तस्कीन मिल जाती है कि भाई अब ये रास्ता है तो है, चलना है तो चलना है, अब मरते दम तक यही रास्ता है, जो पकड़ लिया है पकड़ लिया। तो बस यही वजह है, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम चाह के भी नहीं बदल सकते, और अगर आप बदलना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को तो इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी दरकार है, पैसा, 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 पैसा भाई पैसा, सारी गेम पैसे की है, सारी गेम मैरिज वालों की है, सारी गेम इंग्लैंड जाने की है भाई। प्यारी समझ गई। तो बात यह है कि मैं तो ये कहूँगा कि लड़कियों को नहीं पता होता कि यार मेरे माँ ने मेरे बाप ने कस्में देनी है, पगड़ियाँ पैरों के नीचे रखनी है, सारी ड्रामेबाजियाँ जो होती हैं वो होनी है, जब इस्लाम में आपको हक है कि अपनी पसंद की शादी करें तो हम कौन सा कहते हैं भाग के करो भाई, अपने घर बताओ कि ये मुझे लड़का पसंद है, ना माने तो आप लोग जिद में बैठे रहो, किसी दिन तो मानेंगे ही। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। पर नहीं, अब हमारा जो काम है आज वैलेंटाइन डे पे वो है कि भाई अगर हमारा नहीं डे आज तो फिर किसी का नहीं डे, और आज हमने पकड़ना है वैलेंटाइन मनाने वालों को। ऑकवर्ड फील करवाएंगे ना, और जब ऑकवर्ड फील करेंगे तो फिर हमें मजा आएगा भाई, अगर हमारा नहीं दिन तो फिर किसी का नहीं दिन। और सबसे मजे की बात, दिल तो मेरा है कि एक मैं गुलाब ले लूं और किसी ना किसी तरह उस बेवफा को दे आऊं। बॉय बेवफा को मारे गोली, हम पहुंच गए हैं बेवफाओं के कॉलेज। ये कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, अभी बजा आएगा ना भिड़ो, अरे गर्ल्स कॉलेज की बसेज है, ये रास्ता जाता है जिनाब पार्क की तरफ, अब हम एंटर होने लगे, हो गए एंटर। अब मैंने देखा है यहाँ सुबह सुबह ना तो कोई बाइक्स वगैरह कोई लगी हुई है ना कुछ, और मैं समझ गया अंदर से ना सारा सीन खाली होना है। तो फिर भी मैंने कहा 3-4 बाइक्स तो हैं ही हैं, देखते हैं क्या पता इन 3-4 में ही वो वाले हमें लड़के मिल ही जाएं। फिर जब मैं अंदर एंटर हुआ तो यार खूबसूरती वल्ला नेचर की ब्यूटी देख के ना मेरी आंखें कह रही थी बस बस यहीं बैठे रहो, छोड़ो जोड़ों को ढूंढना, छोड़ो कपल्स को ढूंढना, यही देखो बस बैठ के। फिर क्या था, फिर थोड़ा सा मैं आगे चला हूँ तो वहाँ मैंने देखा झूले, हवाओं में उड़ने वाले घोड़े थे वहाँ पे। और दिल कर रहा था इसी घोड़े पे बैठ के मैं इंग्लैंड की तरफ निकल जाऊं किसी तरीके। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पर ये सब फेरी वर्ड की बातें हैं, रियलिटी में कौन सा ऐसा होता है। तो जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ टेबल पे आके बैठने लगा तो सामने ये जो आदमी चलता हुआ आपको नजर आ रहा है ये मेरे ऊपर ऐसे नजर रख रहा है जैसे मैं डेट मारने आया हूँ यहाँ पे। ओ मैं कहा बाबा देखी जा देखने जी तेरा कड़ा मोल लग रहा। व्यूवर्स सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अब आपका भाई आके बैठ गया है स्टूल के ऊपर, क्योंकि मैं पार्क में जैसे यहाँ पे है क्या कहते हैं उसे, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, हेयर एंड देर इधर उधर घूम रहा था ना तो लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं डेट पे आई हूँ, हालांकि मैंने तो सिर्फ सादा पानी से मुँह धोया अभी तक और अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि लोग मुझे इस निगाह से देखे, लेकिन फिर भी लोग मुझे शक की नगाह से देख रहे हैं कि ये डेट मारने आया है यहाँ पे, इसके साथ कोई बच्ची होगी। ए चुप्पे। तो रह गई दूसरी बात कि इनको क्या पता, हम तो खुद लोगों को पकड़ने आए हैं और यहाँ पे तो लोग ऐसे आए हैं जैसे आज वैलेंटाइन डे नहीं ईद का दिन होता है। टैश मैश नए कपड़े पहने हैं, ग्लासेस लगाई हैं, बिल्कुल VIP मॉल। तो अभी बात करते हुए मैंने जितनी मरतबा भी अपनी आइस को ब्लिंक किया ना, मेरे ना ये चीज़ ये देख रहे हैं यहाँ, ये चीज़ दर्द कर रही है, फिर भी हम अपने मिशन के ऊपर रेडी स्टडी हैं। अभी तो मेरे ख्याल से पार्क में कोई नहीं आया, गोजरा में है तकरीबन पार्क कितने हैं, 3-4 पार्क है ठीक है, एक बुजिया वाली पार्क जो बड़ा पार्क जिसमें मैंने पहले भी लोग बनाया था वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जोड़े वगैरह आते हैं ठीक है मिलने के लिए।
तो ये जनाब आ रहा है, ये बिल्कुल सिटी के अंदर है, तो यहाँ पे तो वो सिर्फ वो जो जो गांव के लोग होते हैं ना, जिनको नहीं इतना इन चीज़ों का पता होता, तो वो लोग यहाँ पे आके मिलते हैं। अब हमने आपको आज तीनों पार्कों का विज़िट करवाना है। ओह माय गॉड, जनाब पार्क जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तो वो लोगों ने आना शुरू होना है। नंबर टू जो दूसरा पार्क है वो है भुजिया वाली पार्क, और तीसरा है ये क्या कहते हैं अली असगर पार्क, उसके बाद और भी दो चार पार्क हैं। तो आज हम आपको इन सब का विज़िट करवाएंगे और देखेंगे कि कौन किधर क्या कर रहा है, और हमारी नज़रों से कोई छुपे तो छुपे कैसे, कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अच्छा अभी तो मुझे फिलहाल घर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अकेले व्लॉग बनाने में मज़ा नहीं आ रहा, साथ एक दोस्त होगा ना तो उससे उसके साथ बातें करते हुए ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी मैंने जाना है घर, घर जाने के बाद फिर मैं आऊँगा दोस्त को लेके बाइक के ऊपर। 2 hours later मैं जाने लगा था यहाँ से, तो मैंने देखा यहाँ पे बकरियाँ भी आई हुई हैं वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, तो हम इनका इंटरव्यू करते हैं। हाँ जी जनाब, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई, ये तो शर्मा गई, देखे देखे देखे, चोरी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई। वो पीछे बकरा भी बैठा होगा, देखे इनकी चोरी पकड़ी गई। ये देखो मुझसे छुपने की कोशिश कर रही है, हम सरेआम की टीम से, हम इन्हें भागने नहीं देंगे। हाँ जी किधर आए वैलेंटाइन डे मनाने, देखे मुँह छुपा रही है, मुँह छुपा रही है। चले भाई मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद जैसे मैं घर से होकर वापस आऊँगा फिर मैं आपको सारे सीन्स दिखाएंगे। 6.5 hours later ले दोस्तों, मैं हो गया हूँ तैयार, और मैंने जो पहने थे कपड़े मैंने लिए पहन, अब मैंने जाना है बाहर, और जो मेरी आंख पे चोट लगी है इसको छुपाने के लिए हम पहनेंगे ग्लासेस। तेरे दिए हुए जख्मों को हमने तेरी दी हुई चीज़ों से छुपाया। अब हम जाने लगे हैं लोगों को पकड़ने, देखते हैं क्या सीन्स होते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ किस किस को कैसे कैसे मिल रहा है, तो हम उनके लिए थोड़ी ऑकवर्ड कंडीशंस बनाएंगे ताकि दोबारा फिर वो पार्क में नहीं की सेफ जगह पे मिलें। और वैसे भी यार शर्म करनी चाहिए, आप लोगों को ऐसे मिलना नहीं चाहिए, मिलता तो आजकल हर कोई है, ये तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं, कुछ डपे हुए हैं पर्दों में, कुछ सरेआम बदनाम हुए फिरते हैं। चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं अगला सीन। और ये दोस्तों 1 बज रहे हैं, अब मैं गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का इकट्ठा जहाँ बीएस होता है उसके तकरीबन बाहर रोड पे आ चुका हूँ, तो अभी मैं जाने लगा हूँ वापस। अब मैंने देखना है, अब छुट्टी हो गई है, अब लोगों ने आना है पार्कों में, फिर देखते हैं क्या सीन्स होते हैं। मैंने कहा चलो साथ साथ यार, हर वैलेंटाइन पे तो गजरा लिया ही है, इस वैलेंटाइन पे भी गजरा ले ही लेते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? बेनाना ना बेनाना, वो तो बात की बातें हैं, लोगों को तो ना पता चले वी आर सिंगल। अभी हम जाने लगे हैं, हाँ तो अभी हम जाने लगे हैं, तो दुआ करें एक बंदा नजर आ जाए रास्ते में जाते हुए। बॉय थोड़ा सा शर्मिंदा तो होगा हमें देख के। 2000 years later और भाई तकरीबन 10-15 मिनट के बाद अब हम पहुंच गए हैं भुजिया वाली पार्क। देखने में तो मुझे ये सुनसान ही लग रहा है, क्योंकि बाहर कोई बाइक वगैरह नहीं लगी हुई, और अगर कोई बाइक नहीं लगी हुई इसका मतलब है यहाँ पे कोई कपल भी नहीं आया होगा, अगर कपल नहीं आया तो हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे। चले देखते हैं क्या सीमत है। मुझे लगता है कि ना कपल हो गए हैं, सियाने समझदार हो गए हैं, और वो पार्क वगैरह में आने उन्होंने दिया छोड़, लेकिन अभी भी यहाँ पर 3 से 4 आदमी बैठे हुए हैं, और पहने भी उन्होंने काटने हैं, ये भी इनके वाले बंदे आने वाले हों, या हो सकता है कि वो वाले बंदे हो जो चाहते हों कि कोई यहाँ पे आए सीन और हम इन्हें पकड़ लें मौके पे। और यहाँ पे एक सिंगल मदर भी आई हुई है अपने बच्चों के साथ, मे बी इसका भी कोई मूड शूट हो आज। आजकल ये काम भी बहुत चल रहा है ना, कि बंदा सऊदी अरब में कमा रहा है और बीवी यहाँ किसी और पे उड़ा रही है, ये तो कई मामला तो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। अब पार्क की एक सबसे ऊंची जगह है जहां से हम देख सकते हैं कि ये यहां पे कोई आज आया है कि नहीं, और वो सबसे ऊंची जगह है ये, यहीं से पता चलेगा हमें कि इस पूरे पार्क में कोई मिलने आया कि नहीं। सामने वो बैठा तो हुआ है एक बच्चा, पता नहीं अकेले ही आए हैं लड़के, समझ नहीं आ रहे, फ़ोन के ऊपर ही वैलेंटाइन डे मना रहे हैं।
गए पहुंच गए पहुंच गए। तो सीन्स यारो कुछ ऐसे हैं कि कोई सीन नहीं है। लोग हो गए सियाने, लेकिन हम अभी भी होप नहीं आ रहे हैं। अभी भी हमारे पास दो पार्क या तीन पार्क पड़े हैं, हम उनका भी मुआयना करते हैं जाके। ये तो खाली है, ठीक है। इससे ज़्यादा घुमा तो मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं चक्कर आ गया तो गिर जाऊँगा, गिरूँगा तो मैं फिर मर जाऊँगा, मर गया तो फिर शादी कौन कराएगा मेरी, हैं? तुम नहीं यार, तुम भी कैसे करवाओगे? जब तक मैं इंग्लैंड ना चला जाऊँ या मेरा मैरिज हाल नहीं होगा तो मेरी तो शादी नहीं होएगी। प्यारी समझ गई। ये दो काम तो जरूरी करने पड़ेंगे मुझे। मैं आपको बताऊँ बंदा कैसे किसी लड़की की ज़िंदगी से बाहर निकलता है। ये देखो बंदा बैठता है ऐसे और ये ऐसे धक्का दे देते हैं और ये और बंदा ऐसे लड़की की ज़िंदगी से बाहर। वाह। अभी हम जा रहे हैं दूसरे पार्क की तरफ, उसका नाम है अली असगर पार्क। देखते हैं वहाँ पे क्या सीन्स होते हैं। पता नहीं, जब भी मैं मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगता हूँ पीछे से ये फटे सिलेंसर वाले मोटरसाइकिल और रक्षे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अभी मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने लगा हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए क्या हो गया यार आजकल के आशिकों को, कोई भी नहीं आया। ये तो अपना दो रीज़न हो सकते हैं, यहाँ तो ये वैलेंटाइन डे कहीं और मना रहे हैं, यहाँ तो फिर पाकिस्तान की गुर्बत ने ना आशिकों की मत मार दी है। मुझे तो यहाँ पे कोई बंदा बशर नहीं नज़र आ रहा। अब दोस्तों सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे अली असगर पार्क और ये भी सुनसान और पता नहीं लोग कहाँ मर गए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। दो ही मैंने आपको पहले भी बताया बातें हो सकती हैं, यहाँ तो ये कहीं और निज़ाम चला रहे हैं, ठीक है, या फिर इनके पास पैसे की कमी है जिसकी वजह से गुर्बत के मारे आशिक जो है वो कह रहे हैं यार फूल शूल दो और जान छुड़वाओ, साथ लेकर आएंगे तो बड़े खर्चे हो जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पार्क आया तो मुझे ना वो पीछे वो ना वो स्टूल आया नज़र, वो स्टूल, और मुझे याद आया कि एक दिन था कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था और मैं साथ अपने कज़न के बेटे को लेकर आया था यहाँ पार्क, और एक बंदा ना वहाँ जहाँ वो लड़का बैठा हुआ है वहाँ पे खड़ा था। तो वहाँ उस वक्त को याद करते हुए कुछ अल्फाज हैं आपके लिए, आपके लिए, ज़रा ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए, आगे समझ। जा वा दे कस्मा माफ़ तेरे, तू गैर वसा साडा रब वारस। प्यारी समझ गई। जाओ तुसी गैर वसाओ भाई साडा रब वारस, सानू कोई ना कोई चार बीवियां चल ही जानगियां। हाँ तू नहीं तो चार तो आनियाँ ही सही। ओके जानी चलते हैं फिर हूँ। हाय हाय मेरी धनो, मेरी धनो ही मेरा साथ देती है और किसी तो साथ देना नहीं। अभी तो धनो के ऊपर हमने जाना है जनाब पार्क, देखते हैं वहाँ पे कोई मिलता है हमें कपल के नहीं। और जनाब मेरे जाने के बाद ही एक लड़की अपनी दूसरी दोस्त के साथ बाइक पे बैठ के आई है और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मुलाकात होने वाली है यहाँ पे, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमने पकड़ना है इन्हें, वो भी इनके फेसेस के बगैर, ठीक है। जो किसी ने इन्हों के घर वाले ने वीडियो वेली मेरी तो जुतियाँ पैनिया इन्हों बहुत ज़्यादा, इसलिए आप इन्हों को खड़ाना नहीं है सिर्फ देखना। चलो मे भी मुंडा पहले ही आके बैठा हो, मैनू तो क्रियोसिटी हो रही है, मेरा दिल कर रहा मैं जाके देखा, एक दिल कहता यार चलो यार गप्पा मारो, चल वेखा तो सही। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितने का आके बैठे है भाई? अभी तक कोई लड़का तो नहीं आया, मुझे लगता है ये वो वाली लड़कियाँ हैं, वो जो आज का स्टेटस नहीं लग रहे मेरा वैलेंटाइन मेरा यार वो वाला सीन ना हो। तो बाकी जितना वो सज धज के तैयार हो के आई है ना, सीन्स कोई और ही हैं। चील सी नगाह है मेरी, चील सी नगाह। हमाल में तेरे बाप को मत सिखा, चल हर चीज़ जान लेते हैं हम। अब देखते हैं लेजेंडरी पार्क जनाब पार्क का सीन कि वहाँ पे क्या नज़ारे हैं। मुझे तो वो भी सुनसान ही लग रहा है, दिल से आवाज़ आ रही है कि वो भी सुनसान ही है, गुर्बत के मारे आशिक कोई भी नहीं लेके।
अब हम आ चुके हैं जनाब पार्क। मुझे नहीं पता लोग पागल हो गए हैं, इनका दिमाग हिल गया है या ये नेक हो गए हैं, क्योंकि पार्क में सिवाए फैमिलीज के, बच्चों के और जॉइंट ग्रुप ऑफ बॉयज़ और जॉइंट ग्रुप ऑफ गर्ल्स के कोई मौजूद नहीं था। आई डोंट नो व्हाई जॉइंट ग्रुप ऑफ गर्ल्स या बॉयज़ अकेले अकेले क्या कर रहे हैं, पर है था। सीन्स कुछ ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी हो गए हैं नेक, ठीक है। तो मुझे अभी तक तो कोई कपल नहीं मिला, ठीक है। शक ही है सबके ऊपर कि वहाँ पे तीन लड़कियाँ बैठी हैं किसी का इंतज़ार कर रही होंगी, वहाँ पे दो लड़के बैठे हैं किसी का इंतज़ार कर रहे होंगे, ठीक है। बेंच पे एक लड़का अकेला बैठा है किसी का इंतज़ार कर रहा होगा। तो अब ये रह गई हैं बातें शक की बना पे, और मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आ रही है भाई ये हो गए हैं नेक, ठीक है। फ़िलहाल सीन्स कुछ ऐसे हैं, पीछे बैठी हैं तीन लड़कियाँ, हाय हाय इतना सुकून। और जो बाकी दो तीन बेंचों पे बैठे हैं लड़के, वो मेरे ख्याल से वो उन्हें कर रहे हैं टीज़, मीन तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेचारी किसी का इंतज़ार कर रही हैं मे बी, और ये उन्हें कोई वो तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जुतियाँ खाने वाले काम कर रहे हैं और की है और किसी नहीं, तो मैं तो दो मार ही देनी है भाई। रिस्पेक्ट वुमेन, औरत के लिए माहौल ऐसा बनाओ कि वो इज्जत के साथ बैठ सके, आ सके, कहीं बैठ के खा सके, ठीक है। तो सारी चवले मानस पहले सोच लेना चाहिए कि हमारे घर में भी माए बहने हैं। तो अब वो बगैरतियाँ मार रहे हैं, मुझे तो आ रहा है उनके ऊपर शदीद गुस्सा। कंट्रोल कंट्रोल उदय, पर क्या करें, हमने हर किसी का ठेका तो लिया नहीं हुआ। इनके लड़कियों के भी घर के माँ बाप हैं, उन्हें नहीं पता कि लड़कियों को ऐसे अकेला पार्क नहीं भेजना चाहिए। भाई भेजें ना भेजें, लेकिन यार ये इस तरह की चवले तो लड़कों को नहीं मारनी चाहिए यार, ये जो मार रहे हैं। अब मैं सारे लड़कों की बात नहीं कर रहा, मेरे जैसे कोई शरीफ भी होते हैं। बाकी देखते हैं क्या सीन है भाई। पाकिस्तान के किसी शहर का तो नहीं पता गुजरा के लोग नेक हो गए हैं भाई। जो भी आया यहाँ अपनी फैमिली के साथ आया है या अपने मेल दोस्तों के साथ आया है, ठीक है। कोई डेट शेट वाला सीन मुझे तो अभी तक नहीं नज़र आया। तो आई थिंक एक आ गया है, आ गया, मुझे नज़र आ गया डेट का सीन, आपको दिखाता हूँ। वो दो लड़के खड़े हैं सामने नज़र आ रहे हैं, वो जो हाथ पकड़ के इधर आ रहे हैं आगे पीछे। तो ये दो लड़कियाँ बैठी थी, उनके साथ इनका कोई सीन है। अब मैं इनको कैमरे के अंदर नहीं लेकर आऊँगा, इनकी इज्जत का सवाल है। तो वो आदमी बैठा इनकी तरफ देख के आंसर है क्या सीन। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही तारीफें कर दी थी भाई, नेक शेक कुछ नहीं हुआ। तो वो पीछे तीन लड़कियों का ग्रुप बैठा है, और वो भाई दूर दूर से एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं, दूर दूर से इशारे कर रहे हैं, हाय हेलो कैसे हो कैसे नहीं हो। हिम्मत ही नहीं है बंदा पूछे, बैठो एक दूसरे के साथ करो बातें। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, लड़कियाँ बिया बना लेती हैं वो चुन्नू मुन्नू से। अब वो मैंने लड़के देखे हैं, वो मुझे मैक्सिमम वो कितने किस क्लास के लग रहे हैं, 18 साल के लग रहे हैं, क्लास 9-10 होगी। और लड़कियाँ जो हैं वो मुझे तकरीबन तीनों की तीनों जो हैं वो 12वीं से ऊपर लग रही हैं। तो इन्होंने क्या इनके साथ वो बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, समझ रहे हो ना। चले दोस्तों आज का व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अनदर व्लॉग में, और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अनदर व्लॉग में। अगर आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। और एक और चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियाँ भर रही हैं, इतना पैसा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपये लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए, साला बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 9 करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं। बहुत कैसा लगा मेरा मजाक कि मेन चीज जो है कि अगर आप अपनी वाली से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उससे शादी हो जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि आप उससे शादी हो जाए, हमारी तो ही नहीं तो मे भी आपकी हो जाए, इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन को दबाना भूल जाएंगे तो फिर यार कितनी बुरी बात है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।